फासिक किसे कहते हैं? ये लफ्ज़ सुबह से खास आम है, सब इस्तेमाल करते हैं।
इंसानी तबके की तारीफ की है, तारुफ करवाया। फासिक से मुकल्ले कुरान ने कहा الذين يكتبون ما امر الله به ان يصلى। कौन फासिक है? ऐसा नहीं किसी पे गुस्सा है कहीं फासिक हो गया। अगर कोई गुनहगार है आपने फासिक ना, हर गुनहगार फासिक नहीं थी। फासिक कौन है? कुरान फरमाते हैं الذين, वो लोग يكتبون, जो काटते हैं किसे, मा उसे, अमरल्लाहु बिही अय्युसर, जिन्हें अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया है। ये फांसी की तारीफ है, कुरानी तारीफ। हर वो रिश्ता के जिसे परवरदिगार ने मिलाने का हुक्म दिया, जो भी इन इलाही और इंसानी रिश्तों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा, इन्हें कता करने की कोशिश करेगा, काटने की कोशिश करेगा, फासला लाने की कोशिश करेगा, ये कुरान के बयान फासिक है। इंसानी रिश्तों में से बहुत बड़ा, सबसे मुकद्दम, सबसे पहले जितना मैंने कुरान का मुताला किया, वो रिश्ता जिसे परवरदिगार ने अपनी तौहीद के फौरन बाद, कुरान की ऐसी बड़ी जखीम किताब नहीं है जैसे बिहार की 110 जिल्दे वसाइल शिया उसूल काफी मल्ला जाजुल फकीर और बड़ी बड़ी किताब है। कुरान एक मुख्तसर किताब है, 6236 आयतें कुल। कुरान ने हर किस जुजियात को बयान नहीं किया, कुल्लियात को बयान किया। कुल्लियात से भी बालतर जवाबुल कलिम, ऐसी बातें जिनसे खुद कवानीन इस्तिंबात होते। एक आयत ऐसे बीसियों कवानीन और उसूल और जवाब इंसान इस्तिंबात कर सकता है। ए निहार के कुरान ने जुजियात से मुतल्लिक गुफ्तगू नहीं की है, इसके बावजूद कुछ मौजूआत ऐसे हैं। एक मौलवी साहब से अगर आप पूछें कितनी ताकीद है, खुम्स हमारे फुरुआत दीन में से थी, पूरे कुरान में खुम्स से मुतल्लिक कितनी आयत है? एक आधी आयत। अब आप मौसू की अहमियत का जायजा लीजिए। कुछ मौजूआत को कुरान ने पैगाम मुसलसल बार बार बयान किया अहमियत की मद्देनजर। उनमें से एक मौजू जिसे कुरान ने बहुत ज्यादा बयान किया, ये खुद वालिदैन, जिसे आज हमारे मुआशरे में वो अहमियत नहीं दी जाती। तमाम इंसानी रिश्तों में सबसे मुकद्दर वालिदैन है। परवरदिगार ने अंबिया की दुआओं के अलावा अगर 14 मकामात पर वालिदैन की इताअत से मुतल्लिक गुफ्तगू की, और हज ये है कि 4 मकामात ऐसे हैं जहां परवरदिगार ने अपनी तौहीद के फौरन बाद वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया। इनमें से ये दो आयतें सूरह बनी इसराइल 1:7 वक़ाला रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु। जरा आप आयत का लबो लहजा देखिए, उसलूब देखिए, आहंग देखिए, क्या फैसला कुल अंदाज। वक़ज़ा रब्बुका, तुम्हारे रब का ये आखिरी फैसला कतई और हकी फैसला है। अल्लाह तअबुदू, तो किसी की बात मत करो, इल्ला इय्याहु, सिवाय उसकी। और फौरन बात क्या फरमाया, वो बिल वालिदैन एहसान, और अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, एहसान। ये उर्दू वाला एहसान नहीं, अगर तुम्हारी जिंदगी में से बूढ़े हो जाए, तुम्हारी हयात में बूढ़े हो जाए, दोनों में से एक या दोनों, बाप भी मां भी, फला तकुल लहुमा उफ, खबरदार इन्हें पूरी जिंदगी कभी उफ ना कहना। वला तनहर हुमा, कभी इनके साथ तल्ख लहजे में गुफ्तगु न करना। वहफिज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा, और अपने दोनों शाने, अपने दोनों कंधे इंतहाई अदब के साथ इनके सामने झुका के रखना, इंतहाई तवाज़ो के साथ करना। वहफिज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्ल मिनर रहमा, और जब जब इनके चेहरे की निगाह पड़े खुदा से क्या मांगना,
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. परवरदिगार तू इन दोनों पर इसी तरह से रहमत नाज़िल फरमा, जिस तरह से इन दोनों ने बचपन में मेरी रुबूबियत की, मेरी तरबियत की। मैं ज्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता, मुख्तसर तरीन गुफ्तगू करूँ, लेकिन कुल्लियात वाक़ियात और जुज़ियात से गुजरते हुए। सबसे पहला सवाल कि वालिदैन की इताअत क्यों वाजिब है? इमाम चहारों ने फरमाया कि जिन दो वजूहात की बिना पर अल्लाह की इताअत वाजिब है, इन्हीं दो वजूहात की बिना पर वालिदैन की इताअत वाजिब है। अल्लाह की बंदगी और इबादत क्यों वाजिब है बशर्त पर? इमाम चहारों ने फरमाया, पहली वजह कि अल्लाह हमारा खालिक है, और दूसरी वजह अल्लाह हमारा रब है। अगर अल्लाह सिर्फ खालिक होता और रब कोई और होता, तब भी इंसान पर अल्लाह की बंदगी वाजिब नहीं थी। और अगर हमारा खालिक कोई और होता, अल्लाह हमारा रब होता, तब भी अल्लाह की परस्तिश हम पर वाजिब नहीं थी। क्यों वाजिब है? अल्लाह खालिक भी है, रब भी है। अल्लाह ने पहले हमें अलग से वजूद दिया, नहीं से है बनाया, और फिर खिलत वजूद से आरास्ता करने के बाद हमारी रुबूबियत की परवरिश की परवान चढ़ जाता। ये अल्लाह की बंदगी का फलसफा था। तो वालिदैन के नाम क्यों वाजिब है? इमाम सज्जाद फरमाते हैं, इन्हीं दो वजूहात की बिना पर वालिदैन के नाम वाजिब है। जिन दो वजूहात की बिना पर अल्लाह की बंदगी वाजिब है, एक खालिकियत, दूसरे रुबूबियत। क्यों? इसलिए कि वालिदैन अल्लाह की इन दोनों सिफात के मजहर हैं। हक तआला की सिफत खालिकियत को भी ज़ुहूर मिला इस कायनात में वालिदैन के वसीले से, और परवरदिगार की सिफत रुबूबियत भी मुतजल्ली हुई इस कायनात में वालिदैन की वजह से। ये दोनों वसीला बने कि हम नहीं से है बन गए, अलग से वजूद में आ गए, फिर ये दोनों वसीला बने और हमें प्रमाण चढ़ा। ये पहली बात, ये पहले सवाल का जवाब कि वालिदैन की इताअत क्यों वाजिब है। दूसरी बात, जब परवरदिगार कह रहे हैं कि मेरी बंदगी करो, मेरी इताअत करो, और साथ ही चार मकामात पे फरमा दिया कि वालिदैन की इताअत करो, तो क्या अल्लाह और वालिदैन की इताअत में वाहदत पाई जाती है? नहीं, सिर्फ अल्लाह और मासूमीन की इताअत में वाहदत है, क्योंकि ये मशीयत खुदा के मजहर है। वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाह, ये चौदह वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, और खुदा वही चाहते हैं जो ये चाहते हैं। इनकी मशीयत में वाहदत पाई जाती है, इसलिए हमें इताअत में मुश्किल नहीं है। लेकिन वालिदैन परवरदिगार कुछ कहेंगे, वालिदैन कुछ और कहेंगे, तो किसकी मानेंगे? इसलिए मैं आपकी खिदमत में कानून अर्ज कर रहा हूं, दीन का कोई भी हुक्म पांच हालतों से बाहर नहीं है, या वाजिब है, या हराम है, या मकरूह है, या मुबाह है, या मुस्तहब है। अगर कुछ छठी सूरत आपके इल्म में होती लेकिन हम नहीं करें, नहीं, इन पांच में खुदा की इताअत कहां पे है, वालिदैन की इताअत कहां पे है? इन पांच में से सिर्फ दो में अल्लाह की इताअत पहले है, वालिदैन की इताअत बाद में, बाकी तीन में वालिदैन की इताअत पहले है, अल्लाह की इताअत बाद में। जितने भी वाजिब काम हैं या खुदा पहले, वालिदैन बाद में, जितने भी हराम काम हैं इन हराम कामों में खुदा का हुक्म चलेगा, वालिदैन की मर्जी में चलेगी, लेकिन जितने भी मुस्तहबात हैं, जितने भी मकरूहात हैं, जिनकी तादाद फुकहा ने 2000 बयान की है, उर्दू जुबान में इस किताब का तर्जमा हुआ, इन तमाम मुस्तहबात में, मकरूहात में और तमाम मुबाहात में वालिदैन पहले हैं, अल्लाह बाद में। नमाज शब मुस्तहब है, तहज्जुद पढ़ना, वालिदैन परवरदिगार ने ख्वाहिश की हो, ताकीद है नमाज शब की, लेकिन मां बाप इसे कोई एक कह दे कि ना उठा करो, में अच्छा नहीं लगता, आराम सोया करो, हमारी इजाजत नहीं। अब अगर उठ के तहज्जुद पढ़ेगा तो गुनहगार है, उम्रे पे जाना मुस्तहब है, नवाफे पढ़ना मुस्तहब है, अव्वल
के वक्त में नमाज पढ़ना मुस्ताहब है। बाप के छोड़ो, बाप में पढ़ लेना, बैठो पौन दबो जरा बात करते। अब खुदा की बात मुकद्दम है, वालिदैन की बात मुकद्दम है। जितने भी मुस्ताहब वालिदैन पहले अल्लाह बाद, जितने भी मकरूहात हैं दिन में खड़े होकर पानी पीना चाहिए, रात में बैठ के पानी पीना चाहिए। मकरूह किसे कहते हैं? ऐसा काम जिसको छोड़ने में सवाब है, अगर आप नहीं करेंगे तो सवाब मिलेगा, करें तो गुनाह नहीं। रात में बैठ के पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर वो कहेंगे नहीं आप खड़े हो। और बहुत सारे मिसाल हैं जो याद में नहीं जाता। इस तरह जितने भी जायज काम है, इन तमाम जायज कामों में वालिदैन पहले अल्लाह बाद में। पहली बात जो मैंने आपकी खिदमत में आज की, वालिदैन की राह क्यों वाजिब है। दूसरी बात, अगर टकरा जाए खुदा की राह के साथ तो किसकी माने। अब तीसरी बात, अगर खुद वालिदैन की इताअत आपस में टकरा जाए, बाप कुछ और करे मां कुछ और करे तो किसकी माने, बाप की या मां की। यहां पर शरीयत ने चार इम्तियाजात दिए बाप को जिनमें मां शरीक नहीं, और एक इम्तियाज शरीयत ने मां को दिया जिसमें बाप शरीक नहीं। एक ही बात में अगर बाप बोला है मां बोला है किस तरफ जाए, चार इम्तियाजात बाप के लिए। पहला इम्तियाज, बाप को अपनी औलाद के यहां जाने के लिए इजाजत नहीं चाहिए, उनके घरों में जाने के लिए मां को इजाजत चाहिए। दूसरा इम्तियाज, बाप अपनी औलाद का माल इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर सकता है, जितना चाहे उठा ले, ये कर्ज के जुमरे में चला जाएगा लेकिन चोरी के जुमरे में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मां बगैर इजाजत के उठाए, यह मुमकिन है, हाकिम शाह चाहे तो हद जारी कर सकता है। ये दूसरा फर्क, बाप की कजा नमाज रोजे बड़े बेटे पर वाजिब है, मां की कजा नमाज रोजे बड़े बेटे पर वाजिब नहीं। ये तीसरा फर्क। और चौथा फर्क, जैसे हमारे माशरे में कुछ मुहावरे और जुबान ज़द खास हुआ में आजकल आमतौर पर, पास एक लड़की है लड़का है, आपस में उनका तवाफुक होगा, बात होगी, चले जाएंगे, वालिदैन की मर्जी नहीं, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर देंगे, और कहा जाता है मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, कि लड़की भी राजी है लड़का भी राजी है ना। एक लड़की जो बेवा नहीं है, तलाक याफ्ता नहीं है, वालिदैन के घर में है, ये खुद भी राजी हो, इसकी मां भी राजी, नानी भी राजी, मामू चचा ताया सारे रिश्तेदार ननिहाल से नजहाल से सब राजी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी प्रेसिडेंट हुक्म जारी करते कि हाँ इनका निकाह होना चाहिए, और चीफ जस्टिस फैसला देते, और इस मुल्क का सबसे बड़ा मुफ्ती वो आके निकाह पढ़ाए, क्या निकाह हो जाएगा? कोई हैसियत नहीं जब तक बाप की इजाजत ना हो। ये चौथा इम्तियाज है जो अल्लाह ने बाप को दिया, इसमें मां शरीक नहीं है। और एक इम्तियाज जो परवरदिगार ने मां को दिया, इसमें बाप शरीक नहीं है, कि अगर एक ही वक्त में एक तरफ बाप आवाज बुलंद करे इधर आओ, दूसरी तरफ मां बुलाए तो कहां जाए। इमाम सज्जाद से जब किसी ने पूछा तो फरमाया कि मां की तरफ जाएगा, क्यों? दो वजूहात की बिना पर, एक तो मां का दिल नर्म है, हसास है, इसे तकलीफ होगी, और दूसरा मां ने इसकी विरासत में ज्यादा सवाब बर्दाश्त किया। शरीयत ने 80 हुकूक बयान किए जो मैंने किसी मकाम पे बयान किए, बस अब दो से तीन बातें और अर्ज करता हूं। अब वालिदैन से आगे नहीं चल सकते मगर ये क्योंकि जान को खतरा और हिफाजत मतलब हो। आप वालिदैन से ऊंची जगह नहीं बैठ सकते, आप वालिदैन के साथ ऊंचे लहजे में बात नहीं कर सकते। आप डॉक्टर हैं, बाप शुगर के मरीज है, वो मीठा खाना चाह रहे हैं, आप हुक्मन नहीं कह सकते, दरखास्त कर सकते हैं, इल्तिमास कर सकते हैं। आप बाप के दुश्मन से दोस्ती नहीं कर सकते, आप बाप की नापसंदीदा बातों को, ये मुसलसल 40 फुट का ताल्लुक दुनिया से, 40 का आखिरत से, मरने के बाद 10 का ताल्लुक दिल से, 10 का माल से, 10 का जुबान से। ये जब वालिदैन की आपस में इख्तिलाफ हो तो कौन मुकद्दम है? और अब आखिरी मरहला कि जितने 80 हुकूक दीन ने बयान किए, ये उन वालिदैन के लिए जो मोमिन है, मुसलमान है, मुत्तकी है। अगर बाप शराबी है, नौजुबिल्लाह,
जिम्मेदार है, या इससे भी बढ़कर गैर मुस्लिम है, ईसाई है, बेटा मुसलमान है, मां क्या मुस्लिम है, बेटा मुसलमान है, तो क्या उनकी भी इसी तरह से इताअत करेगा? अहकाम खमसा ने वाजिब हराम मकरूह मुबाह मुस्ताहब का एलान किया, और इसी तरह से पैगंबर ने फरमाया कि तीन चीजों में काफिर और मुसलमान का कोई फर्क नहीं। एक अमानत, अमानत आप काफिर की रखेंगे तब भी उसकी पासदारी वाजिब है, मुसलमान की तब भी पासदारी वाजिब है। वादा मुसलमान से करें तब भी निभाना।